सागर भरी खुशियाँ, आसमान भरा प्यार, मिठाई की खुशबू, दीपों की बहार और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ये दीपावली त्योहार। हैप्पी दिवाली। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। जिलाधिकारी पहुंचे आंवला गौशाला और धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। सर्वप्रथम उन्होंने आंवला मंडी यार्ड में लगे धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस दौरान धान लेकर आए किसानों से सीधे बात की और किसानों से पूछा, कोई परेशानी तो नहीं? यहाँ सब कुछ ठीक पाया गया। किसानों ने कहा कोई परेशानी नहीं। जिलाधिकारी ने खुशी जाहिर की। इसके बाद वो नगर पालिका आंवला द्वारा बनवाई गई कान्हा गौशाला, जो कि नगर पालिका परिषद आंवला के कर्मचारियों की देखरेख में है, वहां पहुंचे, वहां का निरीक्षण किया। साथ ही बता दें, गौशाला में हरा चारा अधिक लाने के निर्देश दिए और टेक्निकल व्यक्ति को भेजने के लिए कहा। बाकी सभी व्यवस्थाएँ और गायों की भी स्थिति सब ठीक पाई गई। उनके द्वारा पशु विभाग चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने भी बताया गायों की स्थिति ठीक है और सूचना पर पशु चिकित्सा के डॉक्टर आते रहे और समय समय पर गायों का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने चेयरमैन संजीव सक्सेना द्वारा डोर टू डोर रोटी कलेक्शन करने की योजना की तारीफ की। इसके बाद वो तहसील परिसर में पहुंचे और तहसील पर भी औचक निरीक्षण किया और फिर वहीं से सीधे बरेली के लिए रवाना हो गए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ SDM आंवला पारुल तरार, तहसीलदार रश्मि कुमारी, क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा, नायब तहसीलदार अभिषेक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना मौजूद रहे। सिरौली बरेली से रामू कठेरिया के देखिए खास रिपोर्ट। मैंने चार कल चार छठे हुए हैं, चारों मैंने SDM को दिया है। जाँच करके